जब मैंने सवाल फेंका पहला तो उन्हें लगा कि आज कुछ गड़बड़ होगी और जबरान साहब ने मुझे तकरीबन दो दफ़ा बहुत तवज्जो के साथ देखा कि ये बंदा है कौन जो सवाल आप कर रहा है इस तरह के। मैंने अभी एक लफ्ज़ निकाला था अपने मुंह से कि उन्होंने दूसरी तरफ इशारा कर दिया कि आप करें सवाल। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला कि सर मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला, मुझे जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। अस्सलामुअलैकुम, कराची प्रेस क्लब से फैसल खान सूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, बहुत अहम व्लॉग है, मुकम्मल सुनिएगा, आपको बहुत अहम चीज़ों के बारे में मालूमात मिलेंगी और झूठी खबरों से इज्तनाब कीजिएगा, इग्नोर करें और कोशिश करें कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं उनके चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दें। ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने अच्छी चीज़ को पसंद करना है या बुरी चीज़ को। जो लोग अच्छी चीज़ को पसंद कर रहे हैं उनके इल्म में इजाफा होता जा रहा है, वो समझते जा रहे हैं कि भाई केस कुछ नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ दुआ जहरा और ज़हीर की शादी, और वो भी पसंद की शादी का केस था, इसको उलझाया गया सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। खैर, मैं आपके साथ बहुत अहम चीज़ें इस व्लॉग में शेयर करूंगा। जबरान नासिर साहब जो कि काजमी साहब, मेहदी काजमी साहब के वकील हैं और इंतहाई सीनियर वकील हैं, बहुत अच्छी शख्सियत रखते हैं, बहुत नाइस पर्सन हैं, लेकिन जब वो आज कमरा अदालत से बाहर निकले तकरीबन कोई घंटे बाद, तो मैंने सवालात करने शुरू कर दिए। पहले मैं माइक लेकर गया उनके पास तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। खैर, मैंने कहा कि वेट कर लेता हूँ, वो किसी से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर उनके करीब गया, मैंने कहा सर इंटरव्यू करना है आपका, तो उन्होंने फिर से इग्नोर किया। फिर मैंने सवाल करने शुरू कर दिए, मैंने वो वक्त बेहतर समझा सवालात करने का क्योंकि मुझे लग रहा था कि जबरान नासिर साहब भाग जाएंगे, इग्नोर कर जाएंगे, क्योंकि जब मैंने सवाल फेंका पहला तो उन्हें लगा कि आज कुछ गड़बड़ होगी। तो मैंने सवाल उनसे ये किया, जबरान नासिर साहब मुझे ये बताइए कि क्या आप अपनी नाकामी नहीं समझते कि आपने अभी तक जो ज़हीर है उसकी फैमिली है उसको गैंग साबित नहीं किया। तो जबरान साहब के तो रंग उड़ गए और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से फील हुआ कि अब वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलेंगे। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उन्होंने फिर मुझे इग्नोर किया, मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने सवालात फेंके तो उन्होंने सीढ़ियों की तरफ रुख कर लिया और ऊपर को चढ़ने की कोशिश की। मैंने कहा लो जी जबरान साहब भाग के, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा मीडिया मौजूद है, खैर सस्ते यूट्यूबर मौजूद हैं, तो उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा चलो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। मैंने कहा सर आइएगा प्लीज़, तो मेरे साथ साथ रहे, कंधे के साथ कंधा साथ मिला के मैं खड़ा हुआ उनके, और जबरान साहब ने मुझे तकरीबन दो दफ़ा बहुत तवज्जो के साथ देखा कि ये बंदा है कौन जो सवालात कर रहा है इस तरह के, क्योंकि कराची में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो उनसे सवाल करे। कराची में सिर्फ वो लोग हैं जो प्रेस क्लब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सिर्फ वो सवालात करते हैं और बहुत अच्छे सवालात करते हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि वो समझते हैं कि ये सवाल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर साबित होगा। खैर, जो सवालात करने थे सहाफ़ियों ने वो तो बाद में किए गए, लेकिन जबरान नासिर साहब ने कहा कि कैमरामैन से कहा गया कि आप अपने कैमरे सेट करें और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। ये जबरान नासिर साहब का बड़ापन था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करवाई। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ डिस्कस किया आज की पेशी के हवाले से। डिस्कस करने के बाद ये हुआ कि मेरी तरफ से तवज्जो हटाई गई। जबरान साहब को पता था कि ये बंदा एक्टिव है और इस बंदे ने सवाल फेंकने हैं। मैंने अभी एक लफ्ज़ निकाला था अपने मुंह से कि उन्होंने दूसरी तरफ इशारा कर दिया कि आप करें सवाल। तो मैंने कहा खैर कुछ नहीं होता, देखते हैं क्या होता है आगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, उसके बाद जवाब दिया गया। उसके बाद मैंने फिर सवाल करने की कोशिश की तो जबरान साहब ने फिर और दूसरे सहाफ़ी से कहा कि आप सवाल करें। मैंने थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में कहा कि सर आप अपने पसंदीदा लोगों के सवालात ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप फाइनल कर लें कि किससे सवाल लेना है किससे नहीं लेना, तो थोड़ी सी स्माइल भी उन्होंने पास की। तो मैंने कहा नहीं ठीक है आप करें सवाल। तो दूसरे सहाफ़ी ने सवाल किया, उसके बाद उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन फिर मेरी बारी आ गई। मेरी बारी जैसे ही आई तो मैंने सवाल फेंका कड़कदार और उससे बहुत से लोगों को आग लग गई।
ऐसे उनकी आंखों में आग जाहिर हो रही थी कि शायद मुझे कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि सवाल ही ऐसा था, उनके पैसों का मामला था, वो जो चूरन बेच रहे हैं उसका मामला था। मैंने सवाल किया कि सर आपने अभी तक गैंग क्यों नहीं साबित किया, आपने अदालत से क्यों नहीं रजू किया, अपनी एप्लीकेशन क्यों नहीं अभी तक अदालत में भेजी कि भाई पहले गैंग तो साबित कर दें। तो जबरान साहब ने कहा, ये मैंने कभी नहीं कहा कि ज़हीर का ताल्लुक किसी गैंग के साथ है, उसका ताल्लुक ना ही तो किसी गैंग के साथ है, ना ही तो उसको टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ना नशे के कैप्सूल दिए जाते हैं, कुछ नहीं किया जाता। जबरान साहब ने मुझे फिर थोड़ा सा इग्नोर किया, तो मैंने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला कि सर मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला, मुझे जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। तो मैंने थोड़ा सा धीमी आवाज़ में फिर कहा, सर मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं लाहौर से आया हूँ तो कराची सवालात का जवाब लेने आया हूँ। मैं चाहता था कि जबरान साहब आज उन सब सस्ते और झूठे यूट्यूबर्स को जवाब दें और बताएं और वाजिया करें कि भाई आप लोग झूठा चूरन बेच रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को गलत रास्ते पर चला रहे हो, आप बताएं सर कि क्या गैंग है ज़हीर। तो उन्होंने बहुत वाजिया कहा कि आप लोग उन लोगों की बातों में ना आएं जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है कि कोई गैंग नहीं है, कोई ये जिस्म फरोशी के अड्डों पे भेजने वाले नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वो एक लव मैरिज का केस है। जबरान साहब ने वाजिया कर दिए, वो वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे हम व्लॉग के बाद, तो उसमें आप सुनिएगा कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और बहुत अग्रेसिव होकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी खबरें ना फैलाएं। फिर मैंने सवाल किया कि सर आपके जो आपकी पार्टी है वो वीडियो फेंकी जाती है यूट्यूबर के पास, मीडिया के पास, तो वो गुमराह होती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो पार्टी के हैं मेहदी काजमी साहब, जिनकी तरफ से जबरान साहब हैं, उनको मना कर दिए, वो अब वीडियो या इंटरव्यू नहीं देंगे किसी को। तो मैंने कहा सर अभी रिसेंटली इकरारुल हसन साहब को वीडियो भिजवाई गई और उसमें रोना धोना शुरू कर दिया गया कि इकरार मैं कल ही रह गई हैं, मैंने बचाला, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। खैर इकरारुल हसन साहब बहुत तरस खाने वाले इंसान हैं, उन्होंने भी झूठ का सहारा लिया और फिर चल पड़े झूठे रस्ते पर और लोगों के ब्रेन को वॉश करना शुरू कर दिया। शायद अच्छा सर्फ मिल गया उनको, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी इकरारुल हसन के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वो नॉलेज का गलत इस्तेमाल अच्छे से कर लेते हैं। खैर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे मुझे देखने को ये चीज़ें मिली कि किसी यूट्यूबर के पास कोई सवाल नहीं था, कोई चूरन बेचने का नहीं था, उनके पास कोई शॉपर नहीं था कि कहते जबरान साहब चूरन ले लो चूरन, कुछ नहीं था ऐसा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो धंधा था जो वो सस्ते में कर सकते हैं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। तो जबरान साहब ने कहा कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करता हूं, लेकिन हाँ एक सवाल बहुत अच्छा आया था, लेकिन वो सहाफ़ी की तरफ से था जो कि प्रेस क्लब का मेंबर है। उसने कहा कि सर 164 के बयानात हो चुके हैं, आप बार बार क्यों करवाना चाहते हैं। तो उसका जवाब आप सुनिएगा उस वीडियो में जो दिखाएंगे आपको। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी और जो यूट्यूबर थे वहाँ पर मौजूद, अनपढ़ हैं, डिग्री नहीं है, पढ़े नहीं हैं, कभी स्कूल तक नहीं पहुँचे, ये वो लोग हैं जो सिर्फ करप्शन करके उनके वालदे और फिर उसके बाद ये होता है कि उनके बेटों को यूट्यूबर बना दिया जाता है, खुद करप्शन के केसेस में फंसे होते हैं और बेचारों के पास घर में रोटी खाने के लिए नहीं होती, वो फिर झूठी बातें फैलाकर वीडियो चलवाते हैं, थंबनेल गंदे बनवाते हैं, गंदे का मतलब कि झूठे बनवाते हैं। ले जी जबरान नासिर साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी और मेरी तरफ स्माइल पास करके और आगे चले गए और अपने वकला भाइयों से मुलाकात करनी शुरू कर दी। और ये थी वो मालूमात जो आप जानना चाहते थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो लाजमी देखिएगा, शेयर किया करें, जितनी सच्चाई ज़्यादा फैलाएंगे आप सवाब हासिल करेंगे और आप अगर खिदमत कर गए इस कौम की तो आपका नाम भी अच्छे लोगों में लिखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।